हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सक्सेस स्टोरी टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में आने वाले एमएस पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, जो ट्रिपल सी एग्जाम में पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आज उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर मेरी 6 नंबर की वीडियो है। इससे प्रीवियस की वीडियो यानी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जो आपको पहला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट का वो मिल जाएगा, वो है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। हाँ फ्रेंड, जैसे कि बहुत सारे इसमें व्यू होते हैं, तो इसमें से ऐसा ऑप्शन कौन है जो एमएस ऑफिस का व्यू नहीं है। तो मैंने उसका करेक्ट आंसर हाईलाइट कर रखा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आउटलाइन। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो करने के लिए प्रेस करते हैं, जैसे कि आपके जो स्लाइड रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, आप उसको प्ले करना चाहते हैं, रन कराना चाहते हैं, तो उसमें से क्या प्रेस करेंगे तो रन करने लगेगा। तो वो जो हम प्रेस करेंगे वो है कंट्रोल बी। मैंने हाईलाइट कर रहा है, इसका F5 करेक्ट आंसर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप स्लाइड को शो कैसे रोक सकते हैं। जैसे कि आपकी स्लाइड स्टार्ट है, चल रही है, आप उसे रोकना चाहते हैं, जैसे आपको कुछ मिस लगा, तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेस करेंगे या कौन सी की प्रेस करेंगे कि वो रुक जाए। तो उसमें से जो प्रेस करेंगे वो आपको प्रेस करना है एस्केप बटन को प्रेस करके। हाँ फ्रेंड, अगर एस्केप आप प्रेस कर देंगे तो आपकी स्लाइड रुक जाएगी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है, इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें से बहुत से आपको ग्रेनाइट टेस्ट पिक्चर, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में यूज करना होता है, तो आप इसमें सभी पिक्चर भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के रूप में, कोई टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो करेक्ट आंसर वो है डी नंबर, यानी ऑल द अबव। मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर रखा है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है स्लाइड ट्रांजिशन, लेआउट ऑफ हैंड आउट, स्लाइड फॉर्मेटिंग, लेआउट ऑफ स्लाइड। तो मैंने इसका हाईलाइट कर रखा है, जो करेक्ट आंसर है लेआउट ऑफ हैंड आउट बी नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप स्लाइड में केवल टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब प्रयोग करेंगे। सिर्फ उसमें टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप आउटलाइन प्रेस करेंगे, आउटलाइन देखेंगे, थंबनेल, टूल बार, टास्क पैन, तो ये सब आपको जो मिल जाएगा टेस्ट हमारा वो आउटलाइन में मिल जाएगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको टाइमिंग सेट करना है, कस्टम टाइमिंग, तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी नंबर है, स्लाइड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में स्लाइड स्टार्टर किस मेनू में पाया जाता है। जो पावर पॉइंट स्लाइड स्टार्टर का ऑप्शन होता है वो हमारा जो होता है वो व्यू में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर है, व्यू में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जब हम पावर पॉइंट पढ़ ही रहे हैं, पावर पॉइंट के क्वेश्चन पढ़ने, तो किस लिए किया जाता है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो पहला, डाटाबेस के लिए, प्रेजेंटेशन के, प्रोग्रामिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं एमएस पावर पॉइंट को, कहीं हमें प्रेजेंटेशन शो करना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है, प्रेजेंटेशन के लिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। स्लाइड में एनिमेशन का प्रयोग करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए, तो उसमें जो बहुत आपको मेनू मिल जाएंगे, टाइप मिल जाएंगे, तो होम, डिजाइन, एनिमेशन भी, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर ही रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर, एनिमेशन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूजर को अनुमति देता है, पावर पॉइंट होता है वो यूजर को अनुमति देता है वो स्लाइड को शो कर सके, पेपर, प्रिंट आउट, स्लाइड, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, नोट फॉर स्पीकर, नोट स्पीकर भी उसमें, मतलब कि आवाज़ भी दे, तो उसमें सारी परमिशन देता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑल द अबव है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्लाइड के नोट्स में चार्ट, पिक्चर, टेबल आदि किस व्यू में इंसर्ट करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उसमें व्यूज होते हैं या फिर बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें हम नहीं इसे यूज कर सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे पिक्चर है या बैकग्राउंड है या वाटरमार्क है, तो उसमें जो हम यूज कर सकते हैं वो नोट पेज व्यू होता है एक पेज, उसमें आप यूज कर सकते हैं सारे ऑप्शन। करेक्ट नंबर बी नंबर है इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन नहीं है, ओरिएंटेशन है सॉरी। तो जैसे कि आप पावर पॉइंट स्टार्टिंग में ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ऑटोमेटिक ले लेता है, तो वो जो हमारा होता है वर्टिकल पेज ले लेता है, और पोर्ट्रेट लैंडस्केप, तो जिसमें करेक्ट आंसर सी नंबर मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी। तो जब आप एम एस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो वो लैंडस्केप एक पेज का साइज होता है, वो ऑटोमेटिक वो लैंडस्केप उठा लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कौन सा फाइल जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे पावर पॉइंट के, जैसे कि हम उसे कन्वर्ट करते हैं, जब पावर पॉइंट जब क्रिएट हो जाती है तो उसे हम किसी में फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें कौन से फाइल जोड़ी जा सकती हैं। तो .wav, .jpg, .gif, ऑल द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑल द अबव, इस सारी टाइप के आप फाइल उसमें ऐड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल द अबव डी नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट 2003 के किस मेनू में स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट और बैकग्राउंड फीचर होते हैं। तो इसमें जो डिजाइन के हैं, लेआउट के हैं, 2003 में आपको ये सारे ऑप्शन किसमें मिलेंगे, इंसर्ट में मिलेंगे, फॉर्मेट में, स्लाइड शो में, व्यू में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर, फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये 2003 का क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो एमएस ऑफिस 2003 से ही आते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी की, जरूर एमएस ऑफिस 2003 जरूर एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, कुछ ऑप्शन देख के जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूजर को अनुमति देता है, जैसे पावर पॉइंट क्या क्या कर सकते हैं, तो एनिमेशन प्रेजेंटेशन, पेपर प्रिंट आउट ऑफ स्लाइड नोट्स फॉर द स्पीकर नोट्स। तो जो यूजर कर सकता है वो ऑल द अबव सारी चीज़ें कर सकता है, एनिमेशन प्रेजेंटेशन भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, नोट्स भी, स्पीकर में साउंड भी लगा सकता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है डी नंबर, ऑल द अबव। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है वो है, वर्तमान परिस्थिति में नए स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट के प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी आपने स्लाइड क्रिएट कर ली है, उसके बाद आपको बीच में कोई लगे कि इसमें एक स्लाइड और होनी चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl D, Ctrl J, Ctrl Alt M या Ctrl M। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो डी नंबर है, कंट्रोल एम। अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आप इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड कहीं भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर कमेंट देने के लिए पावर पॉइंट का कौन सा व्यू प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको कमेंट देना है, एक स्पीकर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है कमेंट देना, तो आपको जो ऑप्शन यूज किया स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नॉर्मल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है, मैंने हाईलाइट ही कर रखा है, डी नंबर है, नोट्स पेज व्यू। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर स्लाइड को ले जाने की अनुमति देता है। जैसे कि आप शेयरिंग या नेटवर्किंग के थ्रू आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ले जाते हैं, तो फिर उसमें या कोई और फॉर किसी वे से ले जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर इसमें का है वो है ए नंबर, पैक एंड गो, इसके थ्रू आप ले जा सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, नेक्स्ट है, टेस्ट पिक्चर या ऑब्जेक्ट को दर्शाने वाला बॉक्स, जैसे कि आपने अगर कोई फॉर्म देखा होगा, जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, करते हैं या ऑफलाइन करते हैं नेट पे, तो आपने देखा होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स के बैकग्राउंड में कुछ लिखा रहता है, तो वो होता है हमारा प्लेस होल्डर, जो बॉक्स को दर्शाता है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, प्लेस होल्डर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, माउस की लेफ्ट की को दबाकर उसे स्लाइड पर घुमाने को क्या कहते हैं। जैसे कि इमेज होती है या फोटो जो होती है, आप जब उसे क्लिक करते हैं माउस पे, उसे माउस से लेफ्ट की दबाकर उसे इधर उधर करते हैं, तो कितना अमेजिंग लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्रैगिंग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, ड्रैगिंग। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, नेक्स्ट है, कौन सी कमांड आपको आपके प्रेजेंटेशन में पहले स्लाइड पर लाता है। जैसे बहुत सारे आपने स्लाइड क्रिएट कर ली, उसके बाद आपको चाहिए कि हम बीच में जाना चाहते हैं या सबसे होम पेज पे जाना चाहते हैं, फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, तो कौन से हम प्रेस करें तो हम सबसे पहले पेज पे या पहले स्लाइड पे पहुंच जाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर है, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आप पहले स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, नेक्स्ट जो है, प्रेजेंटेशन डिजाइन में स्लाइड की फॉर्मेटिंग या व लेआउट को रेगुलेट करने के लिए सामान्यतः उसे क्या कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर ली, उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर दिए, तो उसको सामान्यतः क्या कहते हैं, तो उसे हम जो कहते हैं ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, टेम्पलेट्स हम कहते हैं उसे, टेम्पलेट्स। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड प्रतिलिपि करता है।
तो स्पीकर नोट्स, आउटलाइन, ऑडियंस हैंड आउट, ऑल द एबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर है, ऑडियंस हैंड आउट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है यानी लास्ट है, वो है पावर पॉइंट में एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड को एक क्रम में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने सारी स्लाइड बना ली, उनको आप क्रम में देखना चाहते हैं, यानी 1 2 3 4 या ABCD XYZ जो भी आप उसमें फॉर्मेट यूज कर रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे उसको देखने के लिए? तो व्यू स्लाइड, व्यू मास्टर, व्यू स्लाइड सॉर्टर, व्यू स्लाइड शो। तो जो इसका करेक्ट आंसर मैंने हाईलाइट कर ही रखा है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है व्यू स्लाइड सॉर्टर, इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो की जो लास्ट क्वेश्चन था यही था हमारा। अब वीडियो अब क्वेश्चन समाप्त होते हैं यानी एंड होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी तरह के CCC से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँ, क्योंकि इस समय CCC का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं हर दिन कोई ना कोई वीडियो CCC से रिलेटेड अपलोड ही करता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार है तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए जो CCC कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।